इज्तिमा होने जा रहा है, इस ग्राउंड में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हमारा 24, 25, 26 यानी आज कल परसों, ये 3 दिनों का प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ यहाँ पे होना तय है और आप उसकी तैयारी देख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान से डेलीगेट्स आकर पहुँच चुके हैं, सारे जामिया के तलबा मौजूद है, सारी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा मौजूद हैं, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, सारे पूरे मुल्क से यहाँ पे तलबा आकर के जमा हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप कि हम लोग और हमारी पूरी टीम ने मुआयना कर रही है और यहाँ 2 दिन का डेलीगेट्स प्रोग्राम यहाँ पे होना है। ये जगह आप देख लें, यहाँ पे 2 दिन का डेलीगेट्स प्रोग्राम होना है यानी आज और कल। आज का इफ्तिताही प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ शाम के 6 बजे से बाद नमाज मगरिब शुरू हो जाएगा और उसके बाद कल का डेलीगेट्स प्रोग्राम इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ हमारा ये दिन के 2 बजे दोपहर से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा और रात के 10 बजे ख़त्म होगा। परसों का प्रोग्राम जो हमारा इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ ये दिन के 2 बजे से शुरू होकर के रात के 10 बजे ख़त्म होगा, जो अवामी प्रोग्राम होगा परसों का। आलमी सुन्नी इज्तिमा SSF सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन, जो पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, मुस्तहसन अंदाज में काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि उसके सारे सरकर्दा हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है और ये हमारे अहबाब तशरीफ़ लाए हुए हैं माशाल्लाह। खैर से तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे ग्राउंड के अंदर साफ़ सफाई और चेयर वगैरह लगाने का काम जारी है। उधर हमारा स्टॉल है, इधर सारे स्टॉल है, हमारे ऑफिसेज़ वगैरह हैं और उस साइड में वजू खाना, इस्तिंजा खाना वगैरह का मुकम्मल इंतज़ाम है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और इस तरफ भी वजू वगैरह के लिए मुकम्मल इंतज़ाम है। बहुत बड़ा ग्राउंड है मुंबई के अंदर, चूँकि आज़ाद मैदान में होना था इसे, लेकिन आज़ाद मैदान में कुछ परेशानियों की वजह से मुमकिन नहीं हो सका मिलने में, आज़ाद मैदान के मिलने में थोड़ी दिक्कत पेश आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड भी काफ़ी वसी और इस ग्राउंड है मुंबई का, जिसे हम देवनार ग्राउंड के नाम से जानते हैं। अवामी इज्तिमा इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ यहाँ परसों होना है यानी 26 नवंबर दोपहर के दिन 2 बजे शुरू होकर के रात के 10 बजे ख़त्म होगा। इसमें सैयद आफीफुद्दीन जीलानी जो सज्जादा नशी हैं, बारगाह गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के और आले रसूल हैं, सैयदी गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान से भी हैं और उनके अलावा सैयद अलीउल हाशमी एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कल उन्हें एयरपोर्ट से हम लोगों ने रिसीव किया और उनका इस्तकबाल किया। वो आकर के जो दुबई के रहने वाले हैं होटल ताज में वो क़याम पज़ीर हैं। इसी तरह सैयद उमर अली जिफरी वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और इनके अलावा अमेरिका से, अफ्रीका से, दिगर मुल्कों से और हमारे चीफ गेस्ट हज़रत अल्लामा शेख अबू बकर अहमद हफ़िज़हुल्लाह ताला वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं और बदरुल फ़क़हा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बद्र आलम मिसबाही साहब क़बूल अहमद रज़ील्लाहु नूरानी, प्रिंसिपल अलजामतुल अशरफिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं, अभी वो मुंबई में क़याम पज़ीर हैं, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका प्रोग्राम होना है। लिहाजा ये हज़रात इनके अलावा सारे खानकाहों से सैयद मोइन अली साहब, मोइन मियाँ साहब, महमूद अशरफ साहब, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, सैयद महदी मियाँ साहब, इनके अलावा जो हिंदुस्तान के अकाबिर उलमा हैं और खानकाहों के अकाबरीन उम्मत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारे के सारे हमारे इस 3 रोज़ा प्रोग्राम में इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये उम्दा प्रोग्राम होने जा रहा है और किस कदर आलीशान तरीक़े से हमारे सारे जो डेलीगेट्स हैं उनके रहने सहने का इंतज़ाम किया गया। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है जो काफ़ी वसी अरीज़ इलाके को अहाता किए हुए है। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के मुंबई के अंदर
SSF अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख रकम करने जा रही है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और इस प्रोग्राम से हमारे वो हजरात जो इसमें तशरीफ़ लाएंगे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों या किसी दारुल उलूम के हों, उन सब को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि एक प्रोग्राम को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से मैनेज करनी चाहिए, प्रोग्राम किस तरह से हो सकते हैं। और इस प्रोग्राम को कई ज़ुबानों में होना है, जैसे इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, मलयाली ज़ुबान में भी होना है, उसके बाद जो है वो बंगला में, जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बंगला ज़ुबान का इस्तेमाल होगा, जो आ चुके हैं बल्कि सारे तो आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, बंगाल, सबसे हमारे जो डेलीगेट्स आ चुके हैं बिहार, झारखंड के सारे हजरत अभी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा बैठे हुए हैं, कुछ लोग बाहर होटल वगैरह में हैं, कुछ खाने गए हैं, कुछ इस तरह काम में लगे हुए हैं। शाम को प्रोग्राम शुरू होना है, देखिए आप ये सारी तैयारियाँ ज़ोरों शोर से हो रही हैं, और ये हमारा मेन स्टेज है जो 26 तारीख को जिस स्टेज पे प्रोग्राम होना है वो वहाँ अपने तैयारी के आखिरी मरहले में है इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो आज शाम तक तैयार हो करके बिल्कुल इस्तेमाल के लिए वो तैयार हो जाएगा, इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग, ये हमारा डेलीगेट्स प्रोग्राम 2 दिन का होना है अल्हम्दुलिल्लाह, उसे यहाँ पर होना है, देख रहे हैं आप ये तैयारियाँ हो रही हैं। आप सब भी इसमें में सुख में हिस्सा लेकर अल्लाह माजूर हों, ये बहुत बड़ा कार्य सवाब है। ये समझे कि आप एक प्रोग्राम करने से क्या हासिल होने वाला है। याद रखें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस प्रोग्राम के बाद, जैसे हमारे संविधान यात्रा के बाद कई स्टेटों के अंदर एक इनकलाब आया, और बड़ा इल्मी इनकलाब आया, रूहानी इनकलाब आया, अहले सुन्नत वल जमात के दरमियान इनकलाब आया, उनके अंदर जो ठहराव था हम लोगों ने उसे उस ठहराव को ख़त्म करने का काम किया है, और अब जितने स्टेटों में, जितने सूबों में हम लोगों ने सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ के नौजवान, मुतहर्रिक नौजवान सामने आए, उन लोगों ने काम करना शुरू किया। इस तरह से अहले सुन्नत वल जमात का एक बड़ा काम मुल्क के अंदर शुरू हो चुका है। अब देखें कि ये पूरा काम हो रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपका आप सब लोग हमारे इस प्रोग्राम को सुने, लाइव भी सुन सकते हैं और लाइव देख भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि अगर आस पास में अगर हैं, कहीं पड़ोस में आप हैं, तो हमारे इस प्रोग्राम में हाज़िर हों, शिरकत करें, सवाब तारीन हासिल करें। खुसूसियत के साथ असर और मगरिब की नमाज जो 26 तारीख को होनी है, जिसे एक मदीना शरीफ के इमाम और एक हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार के सज्जादा नशी जो हैं, एक को मगरिब पढ़ानी है, एक को असर पढ़ानी है, लिहाजा उन दोनों नमाजों में भी आप शिरकत करें। और ये देखें आप हमारे प्रोग्राम जो डेलीगेट्स प्रोग्राम होना है उसकी पूरी तैयारी ज़ोरों पर है।